सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम सुशील खत्री। तो खत्री साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सोनीपत से का रहने वाला हूँ। सोनीपत के रहने वाले हैं। तो ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 42 इयर्स। 42 इयर्स के अंदर आप काम क्या करते हो या नौकरी करते हो? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, किस चीज की है? मैं प्राइवेट फील्ड में जॉब करता हूँ। प्राइवेट फील्ड के अंदर। अच्छा, ये बताओ जो आपकी जिंदगी के अंदर नौकरी आपने जब करी है, तो नौकरी करते समय आपको सबसे बड़ी कोई समस्या कभी आई है? देखो, समस्या तो नौकरी के सामने रहती है, चुनौती रहती है। उस चुनौती का सामना करने के लिए किस प्रकार से आप उससे उभर गए? देखो, चुनौती का सामना करते करते अनुभव होता है। जो भी आप काम कर रहे हो, जितना उसमें अनुभव होगा, वो उन चुनौतियों का सामना करते करते अपने कार्य की तरफ इम्प्रूवमेंट देता है। अभी आपने जैसे बताया कि प्राइवेट है, सरकारी और प्राइवेट दो तरह की जॉब जो हो रही है, इन जॉब्स के अंदर जो ना हर एक आदमी को चाहे सरकारी नौकरी मिल जाए, जबकि प्राइवेट के अंदर काफी स्कोप्स होते हैं। तो इस को युवाओं के लिए आपका क्या कहना है? भाई, नौकरी के लिए काम करें, अपने कारोबार के लिए काम करें, या प्राइवेट नौकरी के लिए करें, वो पढ़ाई किस आधार पर करें? शर्मा जी, आपका शुभ नाम नरेंद्र शर्मा है। सबसे पहले हर किसी को रोजगार के लिए यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब पे फोकस ज्यादा रहता है जी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब जितनी जिस भी स्टेट में रहती है, उतनी गवर्नमेंट जॉब दे नहीं पाती सरकार। वैकेंसी अवेलेबल रहती है, लेकिन फुलफिल ना होने की वजह से बच्चों ने प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, वो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि भी अपने काम धंधे की तरफ निकल जाते हैं। अगर फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और बंदा अपना काम धंधा करता है, स्ट्रगल फेस है 5 साल 10 साल 15 साल, और तो अपने काम से बढ़ गए तो कुछ भी नहीं है। एक चीज सामने जो आई है ना, कुछ समय से जो ना, मतलब कि खासकर 7-8 साल के अंदर हमारे ना भारत से विदेश के अंदर बहुत भारी संख्या में लाखों युवा जो है ना, मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ। जितने भी विदेश में बच्चे गए हैं, हमारे देश से इतने सारे बच्चे गए हैं, वो इतने दुखी हैं। 100 में से मी भी मेरे को नहीं लगता कि डेसिबल में भी 0.5% भी वो लोग सक्सेस हैं जी। लेकिन अभी रिसेंटली कांग्रेस मुद्दा भी बनाई हुए है। राहुल गांधी जी लास्ट वीक यूएसए गए हुए थे। यूएसए में एक गोगड़ीपुर का तेजीमान अमित मान लड़का था जो गया हुआ था। अच्छा। वो उनसे अमेरिका में मिले भी हैं। अच्छा। और उनका कोई एक्सीडेंट हो गया था, 23 डेज के आफ्टर उनका पता लगा कि ये इंडिया का रहने वाला और हरियाणा से है और करनाल डिस्ट्रिक्ट में गोगड़ीपुर गाँव से है। तो वो इंडिपेंडेंट उससे जाके मिलकर आए, जब वापिस इंडिया आए, और तो सबसे पहले वो मे बी लास्ट 3-4 डेज बिफोर गोगड़ीपुर सुबह 5 o'clock राहुल गांधी जी अमित मान के घर पहुंच गए। और जो वो पहुंचे, मैं बड़े अच्छे, मेरे नोन है अमित मान, विमल मान गोगड़ीपुर से 50+ मेंबर्स हैं जो बाहर आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं। अच्छा। तो सबका फीडबैक जो है नेगेटिव है, बाहर नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी ले लिया है। अच्छा। भाई, इंडिया हरियाणा के अंदर हम बच्चों को इतना रोजगार देंगे अब वो बाहर नहीं जाएंगे। 35-40-50 लाख रुपए लगा के वहां वो लेबर क्लास काम करते हैं, और तो वो क्यों करे? अच्छा, तो मतलब ये है कि सरकार का इसके ऊपर सबसे पहले कदम क्या उठाए भाई युवाओं को जाना स्किल के लिए? जितना मेरा आज 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो करप्शन बीजेपी गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट में दिया है, वो गवर्नमेंट जॉब में भी जो ये प्रचार हो रहा है, खर्ची पर्ची, ये सबसे ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट ने करी है स्टार्ट। अच्छा। जहाँ बच्चे रोजगार बहुत कम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में जो भी सिस्टम होता था, उसको 10 टाइम्स ज्यादा ले दिया। अच्छा। और वैकेंसी रिड्यूस कर दी, और आउटसाइडर को अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रहे हैं कंपैरेटिवली हरियाणा के। अच्छा। चाहे वो एसडीओ की वैकेंसी हो, जेई की वैकेंसी हो, पुलिस की वैकेंसी हो, या इसकी अपने HCS की है। अच्छा। हाँ, वैकेंसी में सबसे ज्यादा धांधलेबाजी लास्ट 10 ईयर में बीजेपी गवर्नमेंट की रही है। तो आपका मतलब है कि भाई जो सरकार है उसके अंदर जो ना इस प्रकार का जो आपका आरोप है कि सरकार ने हरियाणवियों के साथ में बहुत दगाबाजी की है, और पर्टिकुलर जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, मैं उनका नाम लेकर इस चीज में आपको करता हूँ, आप मेरे को कभी भी किसी मंच से बोलना बुलाना, मैं इसको एक्सप्लेन करके दूंगा, प्रूफ के साथ दूंगा कि इन्होंने अपनी सरकार में कितना किस लेवल पे करप्शन किया हुआ है। और पर्टिकुलर इन्होंने 35-1 की राजनीति की है, जाट कम्युनिटी को कितना नेगेटिव दिखाया है पूरे 10 साल में, जाट आरक्षण को लेकर इन्होंने कितनी पॉलिटिक्स की है, आपका किसान आंदोलन में कितनी पॉलिटिक्स की है,
आज की डेट में भी किसान दर बदर घूम रहे हैं सिर्फ ड्यू टू मनोहर लाल खट्टर बीजेपी गवर्नमेंट और उनकी किसान विरोधी नीतियों की वजह से। चलिए धन्यवाद, आपने बातचीत की जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। लेकिन मेरा एक दो क्वेश्चन रह गया पॉलिटिकली, हाँ, हाँ, आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ हाँ नहीं बताइए, मेरे से क्वेश्चन नहीं कर पाए। नहीं आप बताइए अपने बात। एक्चुअली आज की डेट में जो जाट वोटर है, जाट वोटर टिपिकल कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस से कोई रोल नहीं है जाट ने। आज जो जाट कम्युनिटी है वो इंडिपेंडेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के साथ एसोसिएट हो गए, वो इलेक्शन में कूदी हुई है। वो इसलिए कि वो छत्तीस बिरादरी के नेता हैं, वो एक कास्टिज्म के नेता। आपने कास्टिज्म की सवाल कैसे किया, आपने कास्ट, बोला? नहीं कास्टिज्म किस लिए जाट कम्युनिटी, क्योंकि इन्होंने छत्तीस एक का नारा दिया हुआ था, उस नारे को खत्म करने के लिए। कैसा नहीं है छत्तीस बिरादरी को लेकर चलो, उसमें ही पॉलिटिक्स होती है। ये जो जितने भी वोटर हैं ये टिपिकल बदलाव के वोटर हैं, ये किसी पार्टी के वोटर नहीं है। जितनी भी अभी पॉलिटिक्स चल रही है उसमें बदलाव चाहती है, और छत्तीस बिरादरी बदलाव चाहती है, जो इस बार करके दिखाएगी। कम से कम नहीं 60 से 65 कैंडिडेट इलेक्शन डिक्लेयर कर, जो भी आए सरकार जिसकी भी आएगी उसी का स्वागत होगा, क्योंकि देखना यही है कि भाई ये राज किसका आएगा और कुर्सी के ऊपर जो इस सिंहासन के ऊपर कौन ज्यादा बैठेगा। राज आया नहीं, वो आपकी भावना नहीं, मेरी भावना नहीं। आप लेके चलो, आप पूरा दिन घूमते हो और तो इस बार बदलाव की राजनीति आपके सामने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की जानकारी दी है और बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद।